है, प्लीज साइलेंस, बात तो बंद करो, बात तो बंद करो। ओके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट पे आ जाओ प्लीज, जो आपके असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर वन, प्लीज साइलेंस, बात मत करो प्लीज, मैं अपनी एनर्जी खराब नहीं करना चाहता हूँ आपको चुप कराने में, ठीक? तो प्लीज बात मत करो, पीछे आदित्य आगे देखो प्लीज, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर वन है, वन हमने शायद कर लिया था, वन का आइडिया मैंने आपको दे दिया था, आप क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर फाइव करो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़ो एक बार, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फाइव? क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव इज, एज्यूम दैट डी ब्रोगलीज वेव एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव। देखो ये टॉपिक काफी लोगों को शायद भूल गया होगा, हमने स्टैंडिंग वेव्स बनाई थी वेव का जब चैप्टर किया था। स्टैंडिंग वेव याद है, एक स्ट्रिंग है उसको हिलाते हैं, और जब स्ट्रिंग को हिलाते हैं तो क्या बनते हैं, नोड्स एंड एंटी नोड्स, कुछ ऐसा डायग्राम याद आ गया। तो अभी इतना कुछ मैं स्टैंडिंग वेव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज करने वाला हूँ, जो चीज मुझे को रिक्वायर्ड है मैं अभी आपको बता दूंगा। इसमें कुछ ऐसा है कि एटम की लाइन है, एटम से एटम में वाइब्रेशन जनरेट होती है, जब उसमें कोई रेडिएशन पड़ती है एटम वाइब्रेट करते हैं। एटम कैसे वाइब्रेट करते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते हैं, स्टैंडिंग वेव बनाते हैं, ठीक? और स्टैंडिंग वेव की खास बात है कि ये पॉइंट वो पॉइंट है जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जब एम्पलीट्यूड मिनिमम है, ये मिनिमम है। इनको बोलते हैं नोड, नोड, नोड एंड नोड, इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स, ठीक है? यहां तक दूसरी चीज स्टैंडिंग वेव में खास बात है कि ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बाय टू, दिस इज लैम्डा बाय टू, ठीक? तो हाफ द वेवलेंथ, मतलब एक पूरी वेव की लेंथ लैम्डा होती है, हाफ वेव का मतलब लैम्डा बाय टू। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक? और ये डिपेंड करता है आप कितनी जोर की स्ट्रिंग को हिलाते हो उसमें कितने नोड्स एंड एंटी नोड बनते हैं। बहुत जोर की हिला दोगे तो ज्यादा नोड्स एंड एंटी नोड्स बनेंगे, कम अगर सपोज धीरे से हिलाओगे तो फिर कम नोड्स एंड एंटी नोड्स बनेंगे। याद है, क्लियर है? सेकंड पॉइंट इज क्लियर जो मैं बता रहा हूँ, जोर जोर की हिलाओगे ज्यादा वाइब्रेशन होगी, कम हिलाओगे कम वाइब्रेशन होगी। तीसरा पॉइंट, जहां पर फिक्स्ड एंड होता है, फिक्स्ड एंड मान लो ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग रस्सी है जिसको मैं हिला रहा हूँ, ये फिक्स्ड एंड है। जब फिक्स्ड एंड होते हैं तो फिक्स्ड एंड के पास हमेशा क्या बनते हैं, नोड्स। बीच में कहीं पर भी नोड एंटी नोड बनेगा, लेकिन एक बार जो एंड टाइट है, बंधा हुआ है किसी से, तो वहां पर हमेशा नोड ही बनेगा। अब क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि एज्यूम दैट डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव बिटवीन द एटम अरेंज इन वन डायमेंशनल एरे विद नोड्स एट ईच ऑफ द एटॉमिक साइट्स। मतलब कॉर्नर पे नोड ही बनेंगे, वो कह रहा है कॉर्नर का एटम नहीं हिलेगा। एरे समझते हो, कलेक्शन ऑफ एटम्स, एरे हिला दिया किसी रेडिएशन ने, नोड्स एंड एंटी नोड बन गए। अब आगे क्या कह रहे हैं कि इट इज फाउंड दैट वन सच स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड इफ डिस्टेंस डी बिटवीन द एटम्स ऑफ एरे इज टू एंगस्ट्रॉम। तो इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि कितने स्टैंडिंग वेव बनी इफ द डिस्टेंस डी बिटवीन द एटम्स ऑफ द एरे इज टू एंगस्ट्रॉम। अ सिमिलर स्टैंडिंग वेव इज अगेन फॉर्म्ड इफ डिस्टेंस डी इज इंक्रीज्ड टू 2.5 एंगस्ट्रॉम बट नॉट फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ डी। डी एक फिक्स्ड वैल्यू है एटम्स के बीच में, और ये जो डी की वैल्यू है इसके अंदर नोड्स एंड एंटी नोड्स बनते हैं। आप इसकी वैल्यू को मीन्स कम या ज्यादा नहीं करोगे, ठीक? इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं है ये। इंटरमीडिएट वैल्यू किसकी बात कर रहे हैं,
मैं अभी आपको बताता हूँ, पर निकालना क्या पहले ये देख लो कि फाइंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ डी फॉर विच स्टैंडिंग वेव ऑफ अ टाइप डिस्क्राइब्ड कैन फॉर्म। देखो इसमें डी का मतलब क्या है, ये जो नोड्स एंड एंटी नोड्स बन रहे हैं ना, कहते हैं कि ये एटम के बीच में डिस्टेंस डी है, पहला केस है, केस नंबर वन में ये डिस्टेंस की वैल्यू अगर डी है तो मुझे एक चीज पता है कि टोटल लेंथ दो एटम्स के बीच में आपको कितने गिवन है, 2 एंगस्ट्रॉम, मतलब वेवलेंथ, 2 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू वेवलेंथ है, वेवलेंथ का मतलब पूरी की पूरी जो स्टैंडिंग वेव बनेगी उसकी पूरी लेंथ 2 एंगस्ट्रॉम है, ये एक इसमें डिस्टेंस गिवन होगा, सॉरी वेवलेंथ नहीं है, ये डिस्टेंस गिवन होगा कि इफ द डिस्टेंस डी बिटवीन द एटम ऑफ एरे इज 2 एंगस्ट्रॉम, एटम ऑफ एरे मतलब कॉर्नर के बीच में जो डिस्टेंस है, ये एटम्स है इनके बीच में डिस्टेंस 2 एंगस्ट्रॉम है पहले केस में, और दूसरे केस में यही डिस्टेंस 2.5 एंगस्ट्रॉम है, ठीक। और मींस दो एटम्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस पहले केस में 2 एंगस्ट्रॉम है जिसमें स्टैंडिंग वेव बनेगी, और दूसरे केस में 2.5 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन एक चीज बताया गया है, बताई गई है इसमें कि इसमें भी नोड्स एंटी नोड्स बनेंगे, इसमें भी नोड्स एंटी नोड्स बनेंगे, इसमें जो जितने नोड्स एंड एंटी नोड बनेंगे और इसमें जो नोड्स एंटी नोड बनेंगे उनके बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। इंटरमीडिएट स्टेट एग्जिस्ट ना करने का मतलब, अब आपको याद नहीं होगा मोड ऑफ वाइब्रेशन किए थे हमने, नहीं चाहिए मेरे को, छोड़ दो अगर नहीं याद कोई बात नहीं। मेरे को एक चीज बताओ कि सपोज कम से कम कितने, कम से कम डायग्राम क्या बनेगा अगर दो एटम्स को मैं फिक्स कर दूं, ये फिक्स कम से कम कॉर्नर पे क्या चाहिए होंगे हमें नोड्स, तो कम से कम डायग्राम ये बनेगा, इससे कम तो नहीं बनने वाला, इससे कम तो हाफ स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट करती है, मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को दो कॉर्नर पे क्या चाहिए, नोड्स ही चाहिए, तो कम से कम तो ये डायग्राम बना। इससे नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी जिसमें ऐसी कितनी लूप्स होंगी, दो लूप्स होंगी, इसके बीच में तो कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं है ना, ठीक। ऐसी सपोज केस नंबर वन है, केस नंबर वन में एन लूप्स बनती है, तो केस नंबर टू में, सेकंड केस में कितनी लूप्स बनेगी, n+1, क्योंकि इसके बीच में और कोई इंटरमीडिएट स्टेट बन नहीं सकती। समझ आया इसका मतलब, क्या बताया इसने इंटरमीडिएट स्टेट बनने का मतलब क्या है कि इसमें 2 एंगस्ट्रॉम में कोई नोड एंटी नोड बन रहे हैं, स्टैंडिंग वेव बन रही है, और कितनी बन रही है मुझे मालूम नहीं, फिर मैंने डिस्टेंस 2.5 कर दिया, उसमें नोड्स एंटी नोड बढ़ गए, लूप्स बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, उतनी बढ़ गई कि केस नंबर टू और केस नंबर वन में कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं हो सकती, यानी कि एक अगर एन लूप्स बना रहे हैं तो दूसरा n+1 लूप्स बना रहे हैं। एक लूप की लेंथ कितनी होती है, मैंने अभी आपको बताया था λ/2, तो इसमें कितनी लूप्स है, एन लूप्स है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि केस नंबर वन के अंदर, केस नंबर वन में एन लूप्स है और एक लूप की लेंथ कितनी है, λ/2 है, टोटल लेंथ आ गई, और टोटल लेंथ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 2 एंगस्ट्रॉम, क्वेश्चन नंबर 1। ये पॉइंट सबको समझ आया कि टोटल लेंथ कितनी आ गई, एक लूप की लेंथ λ/2 है और कितनी लूप्स है, एन लूप्स है, तो टोटल लेंथ कितनी आ गई, n × λ/2, इसकी वैल्यू 2 एंगस्ट्रॉम गिवन है, दो एटम के बीच में डिस्टेंस गिवन है। केस टू में आपको ये कहा गया कि इस डिस्टेंस को बढ़ा दो, 2.5 एंगस्ट्रॉम कर दो, लेकिन फिर नंबर ऑफ नोड्स आपको बढ़ानी पड़ेगी n+1 × λ/2, क्योंकि लूप की लेंथ तो हमेशा λ/2 ही होती है। दो इक्वेशंस बन गई आपके असाइनमेंट में, दोनों इक्वेशन बनाई हुई है ना, चेक कर लो, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो इन्हें, एन की वैल्यू आ जाएगी, और सॉल्व करने पे जो एन आ रहा है हमें क्या चाहिए, इसमें लैम्डा चाहिए कि एन चाहिए, लैम्डा, हमें लैम्डा चाहिए, सॉल्व करने पे लैम्डा की वैल्यू आ रही है कोई 10 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब दो इक्वेशन बना दी, दोनों को साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व कर लिया, यहां तक क्लियर है। थोड़ा सा वेव का कॉन्सेप्ट चला गया, मैं मानता हूँ थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया आपके लिए उसको वापस लेके आना, बट आइडिया क्लियर है कि कैसे जब हम वेव कर लेंगे तो अपने आप थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी, बट दो इक्वेशंस क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एनर्जी, और जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी है वो लैम्डा से
के साथ कैसे रिलेटेड है, वो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ याद है लैम्डा, गिवन है एच अपॉन पी, और पी एनर्जी की फॉर्म में क्या लिखा जाता है, अगर पी को एनर्जी की फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप इसको कैसे लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 2m इनटू एनर्जी लैम्डा, ये मैंने निकाल लिया, ये मुझे पता है, मास मुझे मालूम है, और यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पर, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एनर्जी ई की वैल्यू आ जाएगी जो कि सॉल्व की हुई। मेरा काम यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है, मैं आपको पूरे सॉल्यूशन दे चुका हूँ, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट देखो कि कितने टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था, थोड़ा ठीक क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 से पहले एक काम करो, आप असाइनमेंट नंबर 2 का पहले पेज पे आ जाओ, इसके बीच में ही है, 5-7 पेज छोड़ोगे असाइनमेंट नंबर 2 आ जाएगी, इंपॉर्टेंट टिप्स लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड फॉर्मूलास। देखिए मैं इसलिए ये करवा रहा हूँ क्योंकि ये होना तो असाइनमेंट नंबर 1 के चाहिए था पास, गलती से असाइनमेंट नंबर 2 में मैंने प्रिंट कर दिया, तो एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ इसकी एप्लीकेशन असाइनमेंट नंबर 1 की न्यूमेरिकल्स हैं जो अभी हम करेंगे, तो कुछ बीच बीच में से पॉइंट बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले सेकेंड पॉइंट देख लो, एक कॉन्स्टेंट की बात कर रहा है एल्फा, सेकेंड नंबर पॉइंट रीड करो, कॉन्स्टेंट एल्फा जिसकी वैल्यू आपको दी जा रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी एच, इसको फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट बोलते हैं, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/137। ये ना ट्रिक्स होते हैं कि आपको पेपर में ना सॉल्व ना करना पड़े इन सबको, इसलिए आपको याद कराया जाता है कि जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन बार बार क्यों सॉल्व करना, 1/137 यूज कर लो। मैंने जितने क्वेश्चन किए हैं वो इसके बिना ही किए हैं, इसकी वजह से जरूरत पड़ती नहीं, बट यू नेवर नो, कल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट पे आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज है, फिर इसलिए बता रहा हूं, बाकी इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं -13.6/n² से ही एनर्जी निकालूंगा, ठीक, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो प्री कैलकुलेटेड रिजल्ट सेव करके रखा हुआ है, हम उसी को सॉल्व करेंगे। और याद है एनर्जी का बहुत बड़ा फॉर्मूला आया था, वो फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट भी वहीं से बीच में आ रहा है, जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लो एक बार, चाहिए होगी तो देखेंगे। थर्ड पॉइंट है nth शेल में अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है तो एल्फा फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट सी अपॉन एन, मेरे को इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने का तरीका बताया हुआ, याद है थ्योरी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, वहां से याद है हमने एमवी स्क्वायर निकाला था, वी निकाला था और आर निकाला था, तो मोर देन सफिशियंट है वो रिजल्ट भी, आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको याद करना है, आसान लगता है, आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक, वैसे मैं नहीं याद करता। नेक्स्ट है ये आप याद कर लो, इसका प्रूफ भी आएगा अभी एक असाइनमेंट के अंदर ही, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं अपने अपने शेल में, एक घूम रहे हैं N1 में, एक घूम रहे हैं N2 में, तो इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड होगा घूमने का T1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का T1 होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन का T2 होगा, तो ये रूल है कि T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1Q एंड T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2Q। ये याद रखना है आपने, मैं कैपलर लॉ नहीं लगा रहा हूं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है T² प्रोपोर्शनल टू R³ कैपलर लग गया, कैपलर नहीं है, N का मतलब शेल नंबर है, जो शेल नंबर 3 में घूमेगा उसका टाइम पीरियड T1 इज प्रोपोर्शनल टू 3 का Q, जो चौथे शेल में घूमेगा उसका टाइम पीरियड T2 इज 4 का Q, वहां से आंसर आएगा। इसका प्रूफ अगर देखना है तो याद करने की जरूरत नहीं है, देखने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है, आप कोई भी एक शेल ले लो, उस शेल का रेडियस हमने निकाला था हाइड्रोजन का, लेट से हमने वेलोसिटी भी निकाली थी, बड़े बड़े फॉर्मूला से थे, तो एक इलेक्ट्रॉन का घूमने का टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr उसका सर्कमफेरेंस अपॉन उसकी, सही है ना, वो r जो हमने निकाला था बड़ा सा n की फॉर्म में, v निकाला था, पुट कर दो या जाएगा, ठीक है ना, मतलब यहां से सॉल्व करोगे r के अंदर n² आता है, v के अंदर n आता है, वो घूम फिर के n³ बन जाता है, ठीक, करके देखने की जरूरत नहीं है, अगर देख लें तो आपका एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसमें ऐसे किया हुआ है, वैसे करने की जरूरत नहीं है, याद रहेगा यहां तक। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट देखो, एक वैल्यू है रिडबर्ग कांस्टेंट
into Planck's constant into C, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो आंसर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ठीक हो गया, याद करना याद कर लो, नहीं करना तो भी चलेगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला हमने किया हुआ है। मैंने तो एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा एक ही याद किया है, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन, और मैं यही लगाऊंगा चाहे कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, सबसे आसान फॉर्मूला है। और ये एनर्जी किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम, ऐसे आता होता है बुक्स न्यूमेरिकल, हाइड्रोजन लाइक एटम, जैसे कोई भी एटम देगा, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला -13.6/n² × z² हो जाएगा, उसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? आपकी बुक्स ये फॉर्मूला कई बार यूज नहीं करती, आपकी बुक्स हाइड्रोजन की एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगी, -RH × H × C / n², और एक ही बात है क्योंकि इसकी वैल्यू घूम फिर के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। मैं इसलिए दिखा रहा हूं, या मैं ऐसे बोलता हूं कि मैं इसलिए आपको मैं ये बताना चाहता हूं इस फॉर्मूले से कि मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, आपकी बुक से यूज करेंगे। ठीक, तो आप घर जाओ और आप कहोगे सर बुक्स तो -13.6 यूज करती है, आप पता नहीं क्या यूज कर रहे हो, सिर्फ बता रहा हूं आपकी 90% बुक्स के फॉर्मूला एनर्जी का यूज करती है। पर मैं कहता हूँ ये भी करने की क्या जरूरत है, सीधा ही लिखो -13.6/n². ठीक है ना यहाँ तक? नेक्स्ट है, अगर सपोज करो 10th फॉर्मूला देखो सीधा, मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास शेल्स हैं, सपोज करो ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ट्रांजिशन समझते हो, इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां गिरना, या फिर इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां गिरना, या किसी इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां गिरना, या फिर किसी इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां गिरना, या किसी इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां गिरना, या फिर यहां से यहां गिरना, पता नहीं ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है। गिरना मान लो मैंने सबसे नीचे n=1 पे किया उससे, मतलब ये सपोज शेल जो है, आई एम सॉरी न्यूक्लियस के ऊपर गिर गया, इसको बैठा देते हैं। ठीक, ये शेल, ये न्यूक्लियस है और ये n=1, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, n=2, n=3, 2 और 3 के इलेक्ट्रॉन 1 पे गिर सकते हैं, 3 का इलेक्ट्रॉन 2 पे भी गिर सकता है, 3 का इलेक्ट्रॉन 1 पे भी गिर सकता है, 2 का 1 पे गिर सकता है, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन निकल सकते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया आपको n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक उसे शेल दे दिए और कहा कि काउंट करके बताओ इसमें कितने रेडिएशन निकल सकती है, आप लोग वहां काउंट करने बैठ के तो पागल हो जाओगे। n=6 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर n=5 पे आएगा, 1 रेडिएशन निकलेगी, 6 से 4 पे आएगा, 2 निकलेगी, 6 से 3 पे आएगा, 6 से 2 पे आएगा, 6 से 1 पे आएगा, फिर 5 से 4 पे आएगा, 5 से 3 काउंट नहीं करना, सीधा फॉर्मूला है। आप ये बताओ हाईएस्ट शेल नंबर क्या है, n, जैसे 6, आप फॉर्मूला लगा देना n × n-1/2, तो आपके पास नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आ जाएंगे। मैथ्स वाले ज्यादा समझते हैं इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कि कैसे हमने केसेस बनाते हैं, बट जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखो n × n-1/2, तो इसमें सारी ट्रांजिशंस आ जाएंगी और आज एक न्यूमेरिकल भी आएगा जिसमें इसकी एप्लीकेशन है। याद है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स रेडियस का फॉर्मूला गिवन है, चेक कर लो प्लीज, इसी के एंड में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन लाइक एटम का रेडियस का फॉर्मूला गिवन है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, लेकिन याद रहे जब रेडियस निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में जेड आ रहा है, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, नहीं तो कई लोग क्या करेंगे, सर ने कहा था कि किसी भी चीज को रेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियस को नहीं, सिर्फ एनर्जी को, तो रेडियस जो है वो 1/z आएगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड आएगा, मतलब ये हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही, हाइड्रोजन नहीं है ये, हाइड्रोजन लाइक एटम की बात हो रही है। असाइनमेंट है ना सबके पास, कोई ऐसा तो नहीं असाइनमेंट नहीं जिसके पास हर टेबल एक एक है ना, ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैं बता ही चुका हूँ, -13.6/n² × z², आप ये लगा सकते हो, जैसे पॉइंट नंबर 12 गिवन है इसमें, पॉइंट नंबर 12 हाइड्रोजन लाइक के लिए गिवन है, -13.6/n² × z², फिर वेवलेंथ का एक्सप्रेशन है जो हमने किया हुआ है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है 13th फॉर्मूला 1/λ, पर हमने ना हाइड्रोजन का किया था, हाइड्रोजन का 1/λ हमने निकाला था, हमने हाइड्रोजन का 1/λ निकाला था रिडबर्ग कॉन्स्टेंट,
1 by n f square minus 1 by n i square. लेकिन हाइड्रोजन लाइक के लिए इसको क्या कर देना है, z square से मल्टीप्लाई. ये याद रखने आपने, बस सफिशियंट है आज की थ्योरी. इसके बेस पर इक्वल्स होंगे, ठीक है यहाँ तक. तो आ जाओ फिर वापस अपने क्वेश्चंस पे. मैंने अभी क्वेश्चन कौन सा दिया था, फिफ्थ के बाद आप करो एट्थ, फिफ्थ के बाद एट्थ. कोई ऐसा स्टूडेंट है जो लंबी छुट्टियों पे जा रहे हैं, थर्सडे को भी नहीं आएगा टेस्ट देने के बाद कल, तो आपको और थर्सडे को सब आएंगे. अगर कोई नहीं आना चाहता थर्सडे को तो मंडे को सुबह 9 बजे आ सकते हो. मंडे वाली जो वेडनेसडे को बैच था ना, वो मैंने मंडे को सुबह 9 बजे किया है. आपकी एक छुट्टी है तो उस बैच की भी एक ही छुट्टी की है, तो वेडनेसडे को ऑफ है, लेकिन वेडनेसडे की क्लास मैंने मंडे को लगा दी. तो जो मंडे को होगा वो आपके बैच में थर्सडे को होगा. तो आप सुबह आप चाहो तो 9 बजे आ जाना. मैंने सेमीकंडक्टर्स करवाने हैं, और जो मेरी असाइनमेंट बची, जो मेरा रिफ्लेक्शन बचा, जो मेरी फोटोमेट्री बची, वो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस में लूंगा सारा, कुछ नॉर्मल बैच में नहीं लूंगा मैं, मेरा शेड्यूल खराब हो जाएगा सारा, ठीक. क्योंकि ये अब वो पार्ट मैं छोड़ता जा रहा हूँ जो कॉम्पिटेटिव है थोड़ा ज्यादा, हर बच्चा नहीं उसको करेगा. मतलब एमी फोटोमेट्री करवाने बैठ जाओ, एनसीईआरटी लोगों को क्लियर नहीं और फोटोमेट्री करके जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं. इसलिए मैं एक्स्ट्रा में लेके चलूंगा उससे, ठीक है. जो कि नेक्स्ट वीक से मैं लगाना शुरू कर दूंगा आपको, मतलब नेक्स्ट वीक को एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, उसमें फोटोमेट्री से स्टार्ट करूंगा. सबको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है. टेस्ट तो है कल यार, इतना नहीं है, टेस्ट तो होगा, बहुत सिंपल है. अगर ग्रेड लेना है तो कल से अच्छा टेस्ट नहीं मिलेगा. 8-9 क्वेश्चन में से 4 तो मैंने थ्योरी के डाल देने, 4 × 5 = 20 नंबर तो पक्के. कट ऑफ तो क्लियर करेगा आप नहीं. कल का टेस्ट है रे ऑप्टिक्स, पूरा रे, वेव नहीं है. मैंने वेव नहीं कहा, सिर्फ रे, सब्जेक्टिव. और क्या, एक लेंस का केस डाल देना है, एक उठा के रिफ्रैक्टिंग सरफेस डालना है. ध्यान से पढ़ के आना केस, इनडायरेक्ट क्वेश्चन डालूंगा मैं आपको पहले बता रहा हूँ. इनडायरेक्ट समझते हो, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पर, इमेज कहाँ बनेगी, ऐसे नहीं दूंगा. प्रूव 1/f = 1/v − 1/u, वो तो हो गया छोटा टेस्ट. जो थोड़ा सा जो आपके बोर्ड वाले भी ऐसे डाल देते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, तो सुनाने की जरूरत नहीं है. संडे को आप देखा ना, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ. आप अपने मॉडल में भी सही, प्रतीक के अंदर अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, थ्योरी के होते हैं, उसमें गिवन है सारे केसेस, तो कर लो. मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से दूंगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन. अगर आप इतना भी नहीं देखना चाहते घर जाके कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता. आपके घर कैसे आऊँ मैं बताने, ठीक है ना. बोलो, न्यूमेरिकल्स होंगे, जो मैंने क्लास में कराए उसी लेवल के सेम. आपके वो जो डाउट्स हैं वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ना रिफ्लेक्शन कुछ नहीं आएगा, बहुत सिंपल. लेंस के फॉर्मूलाज, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बहुत सिंपल. मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको फेल करूं. मेरा मोटिव है कि बोर्ड में एग्जैक्टली क्या आता है मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाऊं, ठीक है ना. और अगर बहुत ही ज्यादा अगर आपको वो है, अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो जाओ 5 साल के पेपर पुराने देख लो नेट पे, मैं उसमें से दूंगा. जाओ देख लो, मैंने बता दिया कहां से दूंगा. 5 साल के पेपर कर लो, बहुत बहुत आपको फाइट करनी पड़ेगी आज रात को 5 साल के पेपर ढूंढ के उसको करने में. बट डोंट वरी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान पेपर आए हुए हैं. अगर आप बेसिक भी पढ़ के आओगे तो मैंने क्लास में करवाया तो आपको आता हो, ठीक हो गया. अब नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 8. यू लाइक तो सैंपल पेपर है, मैं तो एक्चुअल बोर्ड डालूंगा ना. सैंपल पेपर में ना कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत बेसिक यार, बहुत बेसिक. आज तेरे 20 में से 20 नंबर आ जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है. प्रूफ तो मैंने करवाए हुए हैं ना, क्वेश्चन ही उल्टे होंगे, थोड़ा सा रिकॉग्नाइज ही करना है कि इसमें से क्या होगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो प्लीज. क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लेक्चर मिस है, लेक्चर मिस कर दिया. देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड बोहर्स ऑर्बिट
of hydrogen atom and energy of electron in the orbit. Please see the इसके solution में क्योंकि देखने मुश्किल बड़े लंबे लंबे किए हुए हैं इसमें. Calculate radius of third Bohr orbit of hydrogen. Hydrogen की बात कर रहे हैं, n is equal to 3 की बात कर रहे हैं, radius की value निकालनी है जब n is equal to 3 है. Formula आप सबका सबको आता है radius का, drive किया हुआ है उसमें n की value 3 put कर देना answer. Next है और कुछ निकालना है. And energy of electron, energy का formula हम क्या put करेंगे बोलो, minus 13.6 upon 3 square electron answer. बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, देखने की जरूरत नहीं है सॉल्यूशन, बस यही आपको बताना है. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 9 एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम. एक चीज को इसको समझो, इसका एक और क्वेश्चन और है. इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा जाए, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा लाइन. एच अल्फा लाइन को ना स्टार डाल के याद कर लो, दिस इज फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज. फर्स्ट मेंबर का मतलब, बाल्मर सीरीज का मतलब कि आपका फाइनल जो इलेक्ट्रॉन गिरेगा कहां गिरेगा, एन इज इक्वल टू 2 पे. और फर्स्ट सीरीज कब होगी, n इज इक्वल टू 3 से लेके n इज इक्वल टू 2 पे, कम से कम यही होगा ना. ठीक, तो कई बार क्वेश्चन इनडायरेक्ट आता है h अल्फा लाइन ऐसा होता है. इसमें आपकी इसमें जो मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी की थी ना अभी हमने, मैं बताना भूल गया, इसमें ना फिर से खोल लो मॉडर्न फिजिक्स की असाइनमेंट नंबर 2 जहां फ्रंट पेज है, जहां हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्मूलास. मॉडर्न फिजिक्स का असाइनमेंट नंबर 2 का पहला पेज जो फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे, उस फॉर्मूले में 13th पॉइंट देखो, 1 बाय लैम्डा निकाल रहे हैं ना 13th पॉइंट में. ठीक है, अंडरलाइन कर लो फॉर के अल्फा लाइन. अगर के अल्फा लाइन आ जाए तो टेक एन इनिशियल इज इक्वल टू 2 एंड एन फाइनल इज इक्वल टू 1, यानी कि आपकी जो ट्रांजिशन हो रही है वो एन इज इक्वल टू 2 से कहां पर हो रही है, एन इज इक्वल टू 1. ये याद रखना है, तो आपको कहेगा नहीं 2 और 1 ले लो, आपको इनडायरेक्टली पूछेगा कि अल्फा लाइन के लिए सॉल्व करो क्वेश्चन. तो के अल्फा स्टैंडर्ड है, 2-4 वर्ड स्टैंडर्ड है, इससे बाहर नहीं आएगा. अब ऐसे तो 100 टाइप की रेडिएशन है, नाम रखता जाएगा वो. तो हमने सिर्फ 2-3 याद रखने हैं, के अल्फा लाइन. और ऐसी के बीटा लाइन का मतलब एन इज इक्वल टू 3 से लेके एन इज इक्वल टू 1, तो के अल्फा लाइन के बीटा ये रेडिएशन के नाम है, जो वेवलेंथ निकलती है उन वेवलेंथ का नाम रखा हुआ है, रेडिएशन का नाम रखा हुआ है. ठीक है, उसी तरीके से जैसे के अल्फा के बीटा, उसी तरीके से बाल्मर सीरीज के अंदर एच अल्फा लाइन का नाम रखा हुआ है और फर्स्ट हिंट भी दिया हुआ है. वैसे तो फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज, फर्स्ट मेंबर का मतलब एन इज इक्वल टू 3 से कहां पर आएंगे, एन इज इक्वल टू 2. ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो भी आपको ये खुद लिखना है, 3 और 2 वाला केस. क्या करना है मुझे, मुझे मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है और मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है, जो कि क्या होगी. अब मिनिमम एनर्जी या मिनिमम वेवलेंथ के केस में क्या होगा, देखो मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, अगर आपके पास बहुत सारे शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन इज इक्वल टू लेट से 3 लगा लो, 2 लगा लो, 1, आपकी अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करे पहला केस, या फिर यहां से यहां जंप करे, ठीक है, दूसरा केस, इसमें एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा यहां से यहां तक, माइनस 13.6 अपॉन माइनस 13.6 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस माइनस 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर. ऐसे करेंगे 3 और 2 के बीच में, और ऐसे ही हम कर सकते हैं 2 और 1 के बीच में. कोई मुझे यह बताएगा कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी यहां पर मैक्सिमम होगी या फिर यहां पर मैक्सिमम होगी, ऊपर वाले केस में कि नीचे वाले केस में, ये क्वेश्चन है.
नीचे वाले केस में एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? मिनिमम नहीं होगा, कम होगा। ऊपर जाते जाते एनर्जी बढ़ती नहीं रहती, और ये वाले केस में एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। जितना डिफरेंस ऊपर निकलेगा ना, उतना ही एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा निकलेगा। अब मैं एनर्जी की बात क्यों कर रहा हूं, मेरे को तो मिनिमम लैम्डा और मैक्सिमम लैम्डा निकालना है। मेरे को एक चीज पता है, अगर एनर्जी का डिफरेंस अगर मिनिमम है, समझो फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी एच नहीं होती है ना, फ्रीक्वेंसी एच इनटू नहीं होती है। अगर एनर्जी मिनिमम है तो समझो फ्रीक्वेंसी मिनिमम है रेडिएशन की, और अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो समझो लैम्डा मैक्सिमम है। तो यानी कि मेरे को वो डिफरेंस निकालना है जिसमें एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। अगर एनर्जी मिनिमम है तो लैम्डा समझो मैक्सिमम आ गया। ठीक, तो देखो पहला केस है n इज इक्वल टू 2 और 3 का। n इज इक्वल टू 2 और 3 में वगैरह मिनिमम वेवलेंथ है। अगर बाल्मर सीरीज की बात करते हो, बाल्मर सीरीज की जो रेडिएशन है, ये न्यूक्लियस है, ये n इज इक्वल टू 2 है और ये n इज इक्वल टू 3 है। अगर ये रेडिएशन होगी, इससे कम तो हो भी नहीं सकती, तो यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस क्या आएगा? मिनिमम। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? मिनिमम। तो लैम्डा क्या आएगा? मैक्स आ जाएगा आंसर। या तो 1 बाय लैम्डा का सीधा फॉर्मूला यूज कर लो, मेरी तरह अगर वो फॉर्मूला याद नहीं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे कर लो, एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो, माइनस 13.6 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर निकल गया। ये एनर्जी का डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, और ये लैम्डा अपने आप क्या आ जाएगा आपके पास? सॉल्व करके लैम्डा निकाल लोगे। अगर 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं याद तो ऐसे कर लो। कोई डाउट इसमें? समझ आ रहा है पक्का? मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आप लोगों के। मॉडर्न फिजिक्स में भी एरियाज हैं कुछ जिसका क्वेश्चन आ जाए तो समझो वो पूरा सही होना चाहिए, और ये एरिया बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि इसमें नंबर नहीं कटते हैं। यहाँ केमिस्ट्री आ जाती है और नंबर काटने मुश्किल हो जाते हैं थोड़े से। फिजिक्स में तो कॉन्सेप्ट लग जाते हैं ना, इधर उधर से अजम्पशन लग जाती है, केमिस्ट्री में यही फॉर्मूलाज हैं। तो इसका क्वेश्चन IIT में, AIEEE, PMT में सब में आएगा, तो आपने ये करना है। सेमीकंडक्टर के अंदर थ्योरी के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, एकदम पागल कर देंगे आपको। मैं आपको बताऊंगा जब हम कंपटीशन बैच चलाएंगे ना, कौन सा सेक्शन आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, कौन सा छोड़ना तो नहीं कहते, एक मिनिमम लेवल तक करके लेके जाना है। ये भी ना एक टेक्निक है, कैसे किन बॉल्स को खेलना है किन बॉल्स को नहीं खेलना। कॉम्पिटिशन का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि सारी बॉल्स को खेलना है। जिसने यही कह दिया वो तो समझो उसका बच्चा डूबा, क्योंकि वो इगोस्टिक हो जाएगा ना वहां जाके, मेरे से कैसे निकला, मेरे सर ने कहा था साइड निकलने चाहिए, प्रेशर आ जाएगा उसके ऊपर। छोड़ने की भी थोड़ी बहुत आदत होनी चाहिए, 2-4 तो कम से कम छोड़ के आओगे ना। कौन से छोड़ने हैं वो सिलेक्शन एक टेक्निक है, प्रैक्टिस वालों को पता लगता है। बताऊंगा मैं आपको, अब चिंता ना करो, ऑप्टिमाइज करना है हमने अपने रिजल्ट को। अभी ये पॉइंट क्लियर है, अब मिनिमम लैम्डा निकाल ले, क्या होगा मिनिमम लैम्डा बोलो? जब एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैक्सिमम। लैम्डा क्या होगा? मिनिमम। और एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम पता कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? बहुत बड़ी जंप मारेगा, इन्फिनिटी से लेके सीधा n इज इक्वल टू 2। सही बोल रहा हूं ना यहां तक? इट मींस कि -13.6 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा मिनिमम, आंसर आ जाएगा। और 1 बाय इन्फिनिटी क्या होती है? 0। एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। टेक्निक क्लियर हो गई ना? जब इसमें लैम्डा की वैल्यू मिनिमम आएगी तो उसमें क्या करना है? ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 में इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन
एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम N1 टू N2, आपको क्या निकालना है कि इफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम दैट इन फाइनल स्टेट। तो मान लो पहले टाइम पीरियड T1 है जब नंबर ऑफ जो शेल का नंबर N1 है, आगे देखो देते T1 है जब शेल का नंबर N1 है, जब शेल का नंबर N2 हो गया तो टाइम पीरियड कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया। अभी डिस्कस किया था शेल के अंदर टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू N1 का क्यूब और ऐसी 8T1 इज प्रोपोर्शनल टू N2 का क्यूब, इन दोनों को डिवाइड कर लोगे N1 अपॉन N2 आ जाएगा। आपके असाइनमेंट में इसका प्रूफ गिवन है, जो मैं बता रहा था ना 2πr/v, पहले वो प्रूफ करेगा फिर वो एप्लीकेशन करेगा। आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद रखो टी इज प्रोपोर्शनल टू N का क्यूब, ठीक है ना। तो वो सोल्यूशन है कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन 1-1, 2-2 लाइनर्स ही हैं, ये बस जिसे सॉल्व किया हुआ है वो थोड़ा सा इसने लंबा किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट स्टेट अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। सबसे पहले कह रहा है कि एनर्जी की वैल्यू हाइड्रोजन के अंदर कितनी है, -3.4, लेकिन मुझे पता है इसकी एनर्जी किसी भी शेल में -13.6/n² तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी n की। पता तो लगे किस इलेक्ट्रॉन के शेल की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू सॉल्व करोगे कितनी आएगी 2। कह रहा है इस 2 शेल में आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है और एंगुलर मोमेंटम बोहर्स का के अकॉर्डिंगली NH/2π, बस n की जगह क्या पुट कर देना है 2 आंसर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट इसमें? इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हो जाने चाहिए ना आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप इतने क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 12,
लॉजिकली पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। अगर मेरे सामने एक स्क्रीन चल रही है, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा जब स्लाइड पे आता है, क्या फर्क पड़ता है? बस ये है कि मैं नहीं खड़ा हूँगा वहां पर, वैसे ऑटोमेटिक क्लिक आप पिक वो करोगे तो नेक्स्ट आ जाएगा। आप प्लीज एक चीज चेक कर लेना, आप ऑनलाइन दे लो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, करना क्या है रफ कॉपी होगी वहीं सॉल्व करके बस ऑप्शन मार्क करनी है। याद रखना बस एक क्वेश्चन के ऊपर टाइमर ना लगाओ, अगर 2 मिनट का टाइम देता है पर क्वेश्चन तो नुकसान रहेगा उसमें, क्योंकि कहाँ 3 घंटे के लिए मेरे को दे दिया गया एक पेपर, उसमें फायदा है। केमिस्ट्री सेक्शन 45 मिनट्स में होता है, मैथ्स का सेक्शन और फिजिक्स का सेक्शन बाकी बचे हुए टाइम में होता है। ऐसा होता है, स्ट्रैटेजी ये बोलती है हमेशा केमिस्ट्री का पेपर पहला करना चाहिए, हमेशा नंबर ऑफ टाइम उसमें निकल के आएंगे टाइम तो बहुत कम लगता है, 45 मिनट्स में पेपर खत्म हो जाते हैं आराम से, 50 मिनट्स में हो जाएगा चलो ज्यादा से ज्यादा, 5-7 मिनट लोग उसमें से निकाल लेते हैं। निकाल के क्या करते हैं, फिर मैथ्स करते हैं, वन राउंड लगाते हैं, फिर फिजिक्स में वन राउंड लगाते हैं, फिर सेकेंड राउंड मैथ्स और फिजिक्स लगाते हैं, क्योंकि मेन जो ब्रेक करेगा आपका कॉम्पिटिशन वो फिजिक्स और मैथ्स है, मतलब जो सच बताऊँ ये फैक्ट है, फिजिक्स कमजोर है मैथ्स कमजोर है, केमिस्ट्री जितने मर्जी आप छलांगे लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक तीनों बैलेंस नहीं ना, कम से कम 2 तो स्ट्रांग एक एवरेज होना चाहिए कम से कम, तो सिलेक्शन होगी। अगर आप कहोगे 2 तो आते ही नहीं, तीसरा तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, उसका कोई फायदा नहीं है, तो टाइमर देख लेना, वो सैंपल देंगे मेरे ख्याल से जो कंडक्ट करवाते हैं, अपना सैंपल भी देते हैं। अगर तो टाइमर है उसमें सिर्फ ये नुकसान है, मान लो एक क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से सॉल्व होगा सबको पता है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब एक बहुत अच्छा शॉट मारना कॉम्पिटिशन में, सीट कई रैंक्स आगे जाना, अब होता क्या उसमें नर्वसनेस जो काम 2 मिनट का है वो 4 मिनट में होता है, ठीक बोल रहा हूँ ना, 2 या 3 मिनट मतलब बार बार, कई बार तो ऐसा डर लगता है लोगों को 2 × 2 = 4 लिख लिख के 2 × 2 = 4 ही होता है ना, मैं देख लूँ कहीं गलती तो नहीं होगी, शुरू शुरू में जब एकदम पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन होता है तो एकदम हाथ ऐसे ही चलता है, लिख लिख के करते हैं, स्पीड स्लो होती है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 3 मिनट में निकल जाते हैं, पता है निकलेगा, कई क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे ही नहीं, उनमें तो कोई टेंशन नहीं अपने को, जो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो वो तो निकलना ही नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मीडियोकर लेवल है जो निकल सकते हैं अगर मैं 2 मिनट और लगा लूं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो इजी है, इजी में कोई चक्कर नहीं होता, मुश्किल में कोई चक्कर नहीं होता, जो एवरेज लेवल होगा ना आपका उसमें चक्कर है, ठीक हो गया। और जो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है वो काफी बच्चे छोड़ के जाते हैं, कि कौन चाहता है कि मैं 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करूं, ठीक बोल रहा हूँ ना, तो टाइमर देख लेना, अगर तो टाइमर चलता है समझो टेंशन है, वहां तो प्रॉब्लम रहेगी, वहां तो 2 मिनट में क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, अगर वो टाइमर निकल गया तो समझो गया काम खत्म हो गया, अगर ऐसा नहीं है, अगर पेजेस आगे पीछे हो सकते हैं कोई टेंशन नहीं, फिर एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन है कि आप आगे पीछे करके अपने ऑप्शन को देख सकते हैं, फिर ये देख लेना ये आपके ऊपर है। ऑफलाइन के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम है, बाहर जाने में प्रॉब्लम है, सारे सिटीज चंडीगढ़ जैसे नहीं है, बिल्कुल इतनी मिसमैनेजमेंट होती है स्पेशली हरियाणा पंजाब जहाँ स्टेट्स आती हैं वहाँ लोग आपको पता ही है किस तरीके से काम करते हैं, चंडीगढ़ में फिर भी बहुत जो है बिल्कुल सही काम चलता है, और काफ़ी ये जो मीडिया वाले भी बहुत अलर्ट होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर सड़कें भी बहुत छोटी हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं आपको, लास्ट टाइम कुरुक्षेत्र के अंदर अखबार में आया था इतना जाम लग गया था, क्यों इतना मैनेजमेंट नहीं, पुलिस वाले सोए पड़े हैं, उनको क्या पता है ट्रिपी नाम की कोई चीज़ है, ठीक है थोड़ा बहुत एक दो खड़े हैं तो खड़े हैं, लेकिन वहाँ पर तो ट्रैफिक का जाम लग गया क्योंकि काफ़ी लोगों ने ऑफलाइन भरा, अब वहां पर अगर आप लेट हो गए तो फिर प्रॉब्लम, मतलब ऐसी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो एकदम पैनिक क्रिएट करती है, ठीक है ना। तो अगर आप ऑफलाइन करो ना तो प्लीज घर से 2 घंटे पहले चलना, ट्रैफिक जाम पक्का लगेगा 101%। ये तो एंड में मैं कह के भेजता हूँ बेस्ट ऑफ लक के साथ कि उस टाइम पे मत चलना, बहुत पहले चलना, चंडीगढ़ में भी लगता है, आप अगर यूनिवर्सिटी में जाओगे सड़कें सारी ब्लॉक हो जाएंगी, हर नहीं यूनिवर्सिटी में जाने, आफ्टरऑल 1 लाख लोग भी अगर आ गए चंडीगढ़ की सड़कों में उतर गए तो देखो क्या होगा, मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। ये आप 1 लाख इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाहर के पंजाब एंड हरियाणा से भी आते हैं, ऐसा मत सोचो कि आप ही हो, तो आप प्लीज अपने नेट पे पहले देखना एक बार, अगर तो आगे पीछे की ऑप्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है फिर आप देख लेना कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। ऑनलाइन में एक और फायदा है, आपका पेपर लेट भी हो सकता है, आपको पता लग जाएगा पेपर क्या आता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखो प्लीज, आगे देखो,
क्वेश्चन कर लें। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, वेवलेंथ ऑफ, आगे देखो प्लीज, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमेन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ सेकेंड लाइन। प्लीज क्वेश्चन पढ़ो, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमेन सीरीज इज आइडेंटिकल टू सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। आपको क्या निकालना है? एंड बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन लाइक आयन, हाइड्रोजन में नहीं, हाइड्रोजन लाइक में। तो 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला जो RH इनटू, क्योंकि लेमन सीरीज का मतलब 1/1 स्क्वायर और फर्स्ट लाइन का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएगा, 2 से लेके 1 तक, ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर। लेकिन अगर कोई सपोज हाइड्रोजन लाइक है तो उसके अंदर कहा गया है हाइड्रोजन लाइक में आपको RH इनटू सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, Z स्क्वायर, और बाल्मर है तो यहां पर 2 स्क्वायर होएगा और यहां पर 3 होगा ना फर्स्ट लाइन की, सेकंड लाइन है, ओके सेकंड लाइन है तो 3 होगा, सेकंड लाइन में यहां पर 4 होगा। तो गिवन है कि ये दोनों इक्वल है तो यहां से किसकी वैल्यू हो जाएगी, Z की, ठीक है ना। यहां तक और एक बार अगर Z आ गया तो क्या निकालना है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट 4 लेवल ऑफ X, X मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम, फर्स्ट 4 लेवल का मतलब आपको एनर्जी निकालनी है, -13.6 एन स्क्वायर, Z की वैल्यू कितनी आई है जो भी है 2 स्क्वायर, Z की वैल्यू पुट कर लेना, N की वैल्यू पहले पुट करेंगे 1, सेकेंड -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, नेक्स्ट एनर्जी -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, और ऐसे -13.6 4 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। सारे शेल्स में एनर्जीज निकाल दी 1, 2, 3, 4, क्या निकालना है, और आयनाइजेशन पोटेंशियल। अभी आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे निकलेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल में आपका ये न्यूक्लियस है, आपका n इज इक्वल टू 1 के केस में कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, आपको आयनाइज करना है, आयनाइज करने का मतलब आपको कहां पर भेजना है, एट n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप एक काम करो, -13.6 1 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर -13.6 इन्फिनिटी स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये ना दिस इज वॉट, दिस इज चेंज इन एनर्जी, दिस इज चेंज इन एनर्जी, और दिस चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू ई टाइम वी नॉट। पोटेंशियल की फॉर्म में एनर्जी को क्या लिखते हैं, ई टाइम वी नॉट, आपको सबसे नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना है, अगर नीचे वाला बाहर निकलेगा बाकी सारे निकल जाएंगे, आयनाइजेशन का मतलब फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, आयनाइज कर दिया, आ जाएगा वी नॉट आंसर, या नहीं हुआ सॉल्व शायद, बट हो गया इससे। नेक्स्ट है, इसी में हो गया बाकी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 आपको हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, लैम्डा पता है, अगर आपको लैम्डा की वैल्यू पता है और मुझे क्या किया हुआ है मैंने, हाइड्रोजन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मींस ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू इसमें गिवन है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है आपको ना
लैम्डा की वैल्यू गिवन है, ठीक, आप लैम्डा से क्या निकाल सकते हो, एनर्जी, ये भी ठीक है। क्वेश्चन है कि अगर मैंने इतने लैम्डा की रेडिएशन दी तो मेरा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से एक्साइट हो गया, कहां गया मुझे नहीं मालूम, nth शेल पे चला गया, ठीक है। यहां तक मैंने इतना लैम्डा दिया, और अगर मैंने इतना लैम्डा दिया मतलब मैंने एनर्जी दी, अगर मैंने एनर्जी दी तो लेट से मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला गया, लेट से n स्क्वायर पे चला गया, और मैंने कितनी एनर्जी दी, एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। लैम्डा मुझे गिवन है, मुझे मालूम है, ये भी मालूम है, मैं यहां से किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, n। मुझे ये मालूम पड़ गया कि लैम्डा की वैल्यू इतनी देने से इलेक्ट्रॉन कहां एक्साइट होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहां एक्साइट होता है, n इज इक्वल टू 4। या तो क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक। क्वेश्चन ये बताओ कि कितनी डिफरेंट लाइंस पॉसिबल हैं इस स्पेक्ट्रम से, मतलब कि अगर n इज इक्वल टू 4 हाईएस्ट लेवल है और मैं इलेक्ट्रॉन को नीचे गिरने दूं, तो ऐसे बहुत सारे केस बनते हैं, डायग्राम में गिवन है n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1, 3 से 2 एंड सो ऑन। तो ये करने की जरूरत नहीं है, n की वैल्यू 4 है, कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल है, n into n minus 1 by 2, यहां n की जगह 4 पुट कर लो, आंसर आ गया 6 रेडिएशन निकलेंगे, आंसर आ गया एक और 6 रेडिएशन निकलेंगी। नेक्स्ट मुझे एक और चीज निकालनी है इसमें, जब 6 रेडिएशन आ गई, कि कैलकुलेट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अमंग देम। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब निकलेगी जब एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम होगा, लैम्डा ज्यादा तब होगा जब एनर्जी मिनिमम होगी। एनर्जी मिनिमम कब होगी, एनर्जी मिनिमम होगी जब ऊपर जाएंगे n इज इक्वल टू 4 और 3, 4 और 3 पे n इज इक्वल टू 1 मिनट नीचे होगी, एक सेकेंड मुझे चेक करने दो, एक काम करो, हाँ वैसे नीचे होनी चाहिए, मुझे लैम्डा क्या निकालना है एक बार चेक करना, लैम्डा शुड बी, लैम्डा क्या निकालना है, एक मिनट, लैम्डा क्या निकालना है, मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम का मतलब एनर्जी का डिफरेंस शुड बी मिनिमम, मिनिमम का मतलब n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो एक मिनट, 4 से 3 क्या था, मैक्सिमम था, करना कैलकुलेट करना यार, एक काम करो आप कंफर्म ही कर लो, ऐसे मन में रैम रहेगा, -13.6 अपॉन 4 स्क्वायर -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर, इनका डिफरेंस निकाल लो, और एज ही मान लो एक मिनट के लिए n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 1, तो -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, मुझे बताना जरा इनका डिफरेंस बड़ा होगा कि इनका डिफरेंस बड़ा होगा, नीचे वाले का बड़ा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर उसका छोटा है, फिर मैंने उल्टा रिजल्ट बोला होगा, पहले मैंने उल्टा किया, पहले मैंने क्या बोला था मेरे को याद नहीं है, मैंने बोला था कि ऊपर एनर्जी ज्यादा होती है उनका डिफरेंस ज्यादा होगा, अच्छा मैथमेटिकली अगर उनका डिफरेंस देखूंगा तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, अच्छा उल्टा है, मैंने उल्टा बोला, यानी कि ओके मैं करेक्ट करता हूँ, वैल्यू कोई भी रैंडम पुट करके देख ली हमने, और अगर कंफ्यूजन भी है तो यहां से क्लियर हो गई कि यहां पर ऊपर एनर्जी का डिफरेंस इसका मतलब क्या मिनिमम आ रहा है, मिनिमम की मैक्सिमम, अब तो मिनिमम आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है ना, अगर कंफ्यूजन भी है तो ये सही तरीका है ना कि आप डिफरेंस निकाल के देख लो, माइनस करके देख लो, जिसका एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम आ रहा है बस वो आंसर है, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है मान लो 4 और 3 का, 4 और 3 का एनर्जी लेवल को माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके मस्ट बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, यहां से क्या आएगा मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस अगर मिनिमम है तो लैम्डा क्या आएगा मैक्सिमम,
तो जो आपने प्लीज पहले करेक्शन की जो मैंने स्टेटमेंट दी होगी उसको प्लीज चेंज कर लो। मैंने ऐसी बिना इसके कर दिया, मैंने कहा कि एनर्जी का डिफरेंस ऊपर जाओगे तो ज्यादा है तो डिफरेंस भी ज्यादा है, उल्टा हो गया, डिफरेंस कम है और एनर्जी का डिफरेंस नीचे ज्यादा है और ऊपर कम है। पॉइंट क्लियर हो गया ना, मतलब गलती तो नहीं होगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट और क्या निकालना है मुझे इसमें, बस बस एक आंसर आ गया। ये तो आपको कॉम्बिनेशन लेने हैं, किसी में से भी गिर लो, फोर से थ्री में, फोर से वन में, किसी में भी गिर के देखो। क्यों माइनस 13.6 अपॉन फोर स्क्वायर तो कांस्टेंट है एक शेल की एनर्जी, हाँ क्योंकि बीच में इतना डिफरेंस ज्यादा जाएगा ना, मेरे को डिफरेंस कम करना है मिनिमम। अगर डिफरेंस ज्यादा ही करना है फिर तो पता ही है ऊपर से नीचे गिर तो डिफरेंस ज्यादा ही है फोर और वन का। एनर्जी डिफरेंस अगर ज्यादा करना है फिर तो कुछ भी करना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग में खड़े होकर इलेक्ट्रॉन को घेर दो, एन इक्वल टू फोर और वन, एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम आ गया। मैक्सिमम में तो कंफ्यूजन ही नहीं, मिनिमम में कंफ्यूजन है, मैक्सिमम में तो वन और लास्ट में कॉम्पिटिशन है ना। क्वेश्चन आएगा मिनिमम एनर्जी का हमेशा, मैक्सिमम का आएगा क्यों, समझ आ रही है बात? नहीं, मिनिमम में हाँ, लास्ट और सेकेंड लास्ट। हाँ कर रहा हूं मैं। अच्छा ऐसा कर लो, n इज इक्वल थ्री और टू का डिफरेंस निकाल लो तो भी उससे कम ही आएगा, मतलब आंसर आएगा ही नहीं। कर लो, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है, आप सारे कॉम्बिनेशन लगा लो, आप डिफरेंस निकाल लो एनर्जी का, आप डिफरेंस निकाल के देख लो, आपका वही आंसर आएगा। जो लास्ट और सेकेंड लास्ट का डिफरेंस होता है वो मिनिमम होता है, मैक्सिमम तो लास्ट और फर्स्ट का है ही है। मतलब ये मैं सीधा रिजल्ट लगा रहा हूं, अगर आपको करना है तो आप हर कॉम्बिनेशन को एनर्जी का डिफरेंस निकालो और खुद करके देखो कि एनर्जी किसमें ज्यादा आ रही है किसमें कम आ रही है। मैं तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, आखिरी शेल और सेकेंड लास्ट शेल में एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम है और आखिरी और फर्स्ट में एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम है, ठीक है ना। और एक थोड़ा फर्क चेंज, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, असाइनमेंट नंबर टू, असाइनमेंट नंबर टू का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू असाइनमेंट नंबर टू में, क्वेश्चन नंबर टू, एक काउंट रेट मीटर है विच इज यूज टू मेजर दी एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल। ये एक्टिविटी पता है क्या होती है, एक्टिविटी मीन्स रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी का मतलब कितने एटम टूट रहे हैं, और कितने एटम टूट रहे हैं पर सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है, डीएन बाय डीटी। यहां तक क्लियर है, तो कितने एटम टूट रहे हैं, दैट इज डीएन बाय डीटी, ये किसके इक्वल होता है, माइनस लैम्डा टाइम्स एन, एन कितने एटम बचे हुए हैं, ये फॉर्मूला लो इसी को, या एक काम करो यहां माइनस लगा लो, यहां माइनस लगा लो, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। 99% चांस है कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन एक्टिविटी पे आएगा, तो एक्टिविटी भूल मत जाना, एक्टिविटी का मतलब डीएन बाय डीटी या फिर लैम्डा टाइम्स एन, यहां पर क्लियर है। तो इसमें काउंट रेट मीटर है एंड इट इज यूज टू मेजर द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल एट वन इंस्टेंट, लेट से टी इज इक्वल टू जीरो, एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब लैम्डा इंटू एन नॉट ले लेते हैं क्योंकि शुरू में टी इज इक्वल टू जीरो पे नंबर ऑफ एटम एन नॉट होते हैं, एक्टिविटी का फॉर्मुला क्लियर है। तो लैम्डा इंटू एन नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 4750, ठीक है यहां तक, ये एक्टिविटी गिवन है और एट टाइम टी इज इक्वल टू 5, एक्टिविटी में एन की जगह एन नॉट,
नंबर ऑफ एटम बच गए, एक्टिविटी कितनी देखी गई 2700। और ये भी बता दूं एक्टिविटी का सिंबल आर होते हैं, एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय आर नॉट, मतलब आर नॉट या माइनस डीएन बाई डी टी या फिर लैम्डा एन, एक ही बात है, और शॉर्टकट है, आप मत लिखो आर नॉट, कोई बात नहीं, अब एक्टिविटी लिखो, इन दोनों को डिवाइड करो, एन नॉट अपॉन एन की रेशियो आ जाएगी आपके पास कितनी 1.76, ठीक हो गया। और एन नॉट से एन एटम कितनी देर में हुए, इन टाइम 5 मिनट्स। आपको इस क्वेश्चन में लैम्डा निकालना है, फॉर्मूला पता है, एन इज एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, टाइम की जगह 5 मिनट, एन यहां से एन इज इक्वल टू एन नॉट की जगह 1.76 एन ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इन टू 5, एन से एन कैंसिल, ये 1 आ गया, यहां से लैम्डा निकाल लो। नॉन मेडिकल में आएगा क्वेश्चन, मेडिकल में नहीं आएगा इस तरीके का क्वेश्चन, बट आइडिया क्लियर है, आएगा तो बहुत सिंपल आएगा, बट बाकी क्लियर है इसमें एक्सप्लेनेशन को कैसे सॉल्व करना है, तो यहां से लैम्डा आ जाएगा, पॉइंट क्लियर है। और एक चीज चेक कर लो, लैम्डा के यूनिट्स क्या आ रहे हैं, 0.113 पर मिनट, क्योंकि मैंने टाइम को क्या रखा था, मिनट, अगर मैं टाइम को किस में रखता, सेकेंड, तो ये क्या आता है, पर सेकेंड, ये पॉइंट भी क्लियर है। और अगर लैम्डा आ गया तो समझो हाफ लाइफ पीरियड भी आ गया, हाफ लाइफ पीरियड 0.693 अपॉन लैम्डा, पुट कर देना पहली बात, कोई डाउट इसमें, समझ आ रहा है हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा, ठीक है, डाउट है मुझे पूछो, डाउट है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको फिर कंटिन्यू करते हैं, मेरे को थोड़ी ब्रेक चाहिए दूसरे बैच के लिए, ठीक है, कल टेस्ट दो, मैं मिलूंगा नहीं मिलूंगा मुझे मालूम नहीं, बट मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। पता है ना टेस्ट है, बता दिया था मैंने, जब वापस आओगे खाली हाथ मत आना, दिवाली का गिफ्ट लेके आना, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ड्यूअल नेचर करके आना, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ड्यूअल नेचर का चैप्टर का टेस्ट होगा 15 मिनट्स का आते ही,
निकल भी नहीं आते। अच्छा ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, चाहो तो बाहर चले जाओ। पेरेंट्स को कह दूँगी 9:45 लेने आते 15 मिनट पहले, हमें तबीयत खराब है, मुझे बुखार है बहुत तेज, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो मिसमैच हो जाता है बैच, तो 1 घंटा मैं पढ़ाऊंगा ताकि मेरा कोर्स सही तरीके से चलता रहे, ठीक है ना। तो जिसे करना है प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं फिर नीचे मुझे खड़ना पसंद नहीं। नहीं आप तो आ जाओगे, आप करना है फोन कर दो प्लीज, आप फोन करना चाहते हो एक एक करके कोई बात नहीं कर दो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। 9:45 करें स्टार्ट। हमने चैप्टर खत्म तो नहीं किया, अभी थोड़ा सा रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। कोई बात, एस्केप वेलोसिटी से करेंगे, एस्केप वेलोसिटी से करेंगे। स्टार्ट विद एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाएगा। कहां जाएगा क्रॉस करके? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा, ठीक, इनफाइनाइट डिस्टेंस, वापस तो आएगा नहीं, एस्केप कर गया। तो अगर एक्सप्रेशन निकालना है एस्केप वेलोसिटी का तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आप डायग्राम इसका अगर आप देखो तो इसका डायग्राम एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी के डायग्राम के साथ मैच करता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी के डायग्राम के साथ मैच कर रहा है। एंड इसमें अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकना है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा उठा के फेंकने का। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? हमने किया हुआ है, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आर पे लेके आऊं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सही है। और जिसका जिसकी वैल्यू क्या आई थी? माइनस जीएमएम बाय आर। और अगर मैं उल्टा काम करूं, सरफेस से उठा के बाहर फेंक दूं तो आंसर उल्टा हो जाएगा, लाने में वर्क डन माइनस जीएमएम बाय आर, तो फेंकने में प्लस जीएमएम बाय आर। तो अगर सपोज आपका कोई लेट से कोई ऑब्जेक्ट है एंड कोई ऑब्जेक्ट मान लो सरफेस से फेंकेंगे, यहां से नहीं फेंकेंगे, सरफेस से फेंकेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, एंड सरफेस ऑफ अर्थ से अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसको फेंकेंगे तो उस केस में इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन, तरीका वही है, रास्ते में स्मॉल वर्क डन निकलेगा dw इन कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx। तो dw और dx में याद है हमने क्या किया था, इसमें जब हमने एक्सप्रेशन किया था पोटेंशियल एनर्जी का तो dw इज इक्वल टू f इनटू dx, और इस पॉइंट पर फोर्स क्या होगी, ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है सेंटर से x, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? g बड़ा m छोटा m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सेम है, आप अगर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जानते हो तो आपने कुछ नहीं करना, एब्सोल्युटली सेम, लेकिन लिमिट्स उल्टी हो जाएंगी। तो उसमें एनर्जी में लिमिट्स क्या होती थी? इन्फिनिटी से r, इसमें r से इन्फिनिटी, बस और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेम है। हरिहंत, चिराग, हर्षप्रीत, निहारी,
रिवर्स लगा दी, उल्टी लगा दी, तो जब मैंने लिमिट्स रिवर्स लगाई तो जीएमएम बाहर आ गया, जीएमएम बाहर आ गया, 1/x²dx की इंटीग्रेशन मैंने लिमिट्स लगाई, लिमिट्स लगा के आंसर पॉजिटिव में आ गया बस, और कोई फर्क नहीं है। जो डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी की थी वही डेरिवेशन वर्क डन में एस्केप वेलोसिटी में बस पॉजिटिव है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो टॉपिक को, इंपॉर्टेंट ये आता होता है, 99% चांस है कि आपका स्कूल में क्वेश्चन यही आएगा, स्कूल में, कॉम्पिटिशन में तो कुछ और आएगा बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर है। अब ये वर्क डन आ गया, ये वर्क डन मैं किस फॉर्म में करूंगा, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कैसे कर रहे हैं, उठा के फेंकना है, और उठा के फेंकने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको उठा के फेंकूंगा तो मस्ट बी इक्वल टू 1/2 mv², तो यहां से कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, एस्केप, मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा, जो वेलोसिटी बची वो एस्केप बची, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ gm/r, जो एस्केप वेलोसिटी है उसमें अंडर रूट ऑफ 2gm/r, फॉर्मूला क्लियर है। और अगर आप कैपिटल जीएम को कन्वर्ट करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, स्मॉल जी r² / r, ये वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2gr, एक ही बात है, कैपिटल जीएम की फॉर्म में कर लो चाहे स्मॉल जी आर स्क्वायर की फॉर्म में कर लो, ठीक। अगर आप इसमें ये रहा 2gr, डाउट है स्वाति, एस्केप कर जा रहा बस, चली गई, वह नहीं आएगी वापस। तो अगर आप अंडर रूट ऑफ 2gr में जी पुट करो, आर पुट करो, तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर/सेकंड। अगर आप एक सेकंड में 11 किलोमीटर से ऊपर डिस्टेंस कवर करवा सकते हो एक ऑब्जेक्ट का, तो समझो कि वो ऑब्जेक्ट वापस नहीं आएगा और वो एस्केप कर जाएगा। वैसे बहुत सारी इसमें ना वो होती हैं असम्पशंस हैं कि एयर की रेजिस्टेंस है, वो गर्मी से सड़ ना जाए, मतलब पता लगे बर्निंग हो गया ऑब्जेक्ट, हफ्ते तेजी से फेंक रहे हो, ये असम्पशंस नहीं है, मतलब बिल्कुल आइडियलिस्टिक कंडीशन में है, 11.2 है, ठीक। तो इसमें 11.2 है, और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है, एस्केप वेलोसिटी के अंदर फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2gm/r है, m इज मास ऑफ प्लैनेट, अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग एस्केप वेलोसिटी होती है। मून के ऊपर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, ये ना कॉन्सेप्चुअल आता होता है, ग्रेविटेशन पुल कम है एक रीजन, दूसरा रीजन ये लिखा हुआ है बुक्स में कि जो मून के ऊपर अगर गैसेज आ भी जाती है ना तो गैसेज की एस्केप वेलोसिटी बहुत ही कम है, मतलब आप देखो कि एस्केप वेलोसिटी मान लो 2 है तो 2 m/s या 2 भी बहुत कम है, ग्रेविटेशनल पुल कम है और एस्केप वेलोसिटी उसके पास ज्यादा हो जाती है, एक ही बात है, ग्रेविटेशनल पुल कम है तो वो खींच नहीं पाता मॉलिक्यूल्स को, तो गैस एस्केप कर जाती है, अगर आप किसी गैस को छोड़ भी दोगे ना मून पे तो एस्केप कर जाएगी, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है मून, अगर इतनी कम है फिर तो आप हल्का सा उसको एक ऐसी बस किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर धक्का मारोगे वो ऐसे एस्केप कर जाएगा, वो वापस ही आएगा, आइडिया क्लियर है यहाँ तक, तो जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ एस्केप वेलोसिटी का, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो एस्केप वेलोसिटी पहला नंबर पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ प्लैनेट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती एस्केप वेलोसिटी, पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करूं या सीधा प्रोजेक्ट करूं, एस्केप वेलोसिटी क्या चेंज होगी, नहीं होगी, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी के अंदर एंगल नहीं आ रहा, किस पे डिपेंड कर रही है, जी पे, एम पे, आर पे, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, तो ये याद रखना ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, आपको गलती से वो एंगल दे देगा कि शायद आप कॉम्पोनेंट्स ले लोगे, कुछ नहीं करना आपने, आपने आंसर सेम रखना है जो आपको नॉर्मल आता है। नेक्स्ट स्पेशल केस जरूरत नहीं है करने की, अगर आप चाहो तो मास ऑफ अर्थ को या मास ऑफ प्लैनेट को लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट इनटू डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, ये आंसर आ गया, पर मैं बता रहा हूं जरूरत नहीं है, ऐसे भी चलेगा, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट इसमें जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, जियो स्टेशनरी, तो जियो तो ज्योग्राफिक वर्ड आ रहा है, स्टेशनरी का मतलब रुकी हुई, तो रुकी हुई सेटेलाइट का मतलब क्या है, सेटेलाइट रुकती थोड़ी ना तो घूमती है, मान लो कि मैं अर्थ के साथ साथ घूम रहा हूँ विद ओमेगा, और मान लो सेटेलाइट भी मेरे ऊपर है और वो भी साथ साथ घूम रही है विद ओमेगा, मेरे को ऐसा अपीयर होगा कि रिलेटिव मोशन इनकी जीरो है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर रिलेटिव मोशन जीरो है तो मेरे को अपीयर होगा कि सेटेलाइट रेस्ट पे है, जबकि वो मेरी ही स्पीड के साथ घूम रही है, और इस टॉपिक में ये अजम्पशन है
कि सैटेलाइट इज वेरी मच क्लोजर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि अगर वो बहुत हाइट पे होगी अर्थ पहले घूम जाएगी 24 घंटे में, सैटेलाइट 25 घंटे लगा रही है ज्यादा सर्कल, पता लगे कि 10-15 साल के बाद सैटेलाइट किसी और कंट्री में भेजी थी, अर्थ की सिंक्रोनाइजेशन खराब हो गई ना। तो ऐसा नहीं है, बहुत तेज होती है सैटेलाइट के घूमने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द पॉइंट इज कि हम सैटेलाइट को नॉर्मली तभी तो अर्थ की सरफेस की जितनी क्लोज हो सके उतनी क्लोज रखते हैं कि जिस लोकेशन के ऊपर वो टिकी हुई है उस लोकेशन के ऊपर टिकी रहेगी। अगर बहुत दूर भेज दोगे तो टाइम मिसमैच हो जाएगा, कहां बड़ा चक्कर सैटेलाइट काटेगी, हो सकता है 28 घंटे में और 24 घंटे में अर्थ घूम जाएगी। ठीक, तो ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के साथ साथ घूमती है, तो इसमें क्या है कि इफ सैटेलाइट इज मेड टू रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और अर्थ भी कैसे घूमती है वेस्ट से ईस्ट, तो उस केस में क्लोजर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये सैटेलाइट कैसे अपीयर होगी, स्टेशनरी। तो द ऑर्बिट इन विच सच अ सैटेलाइट विल रिवॉल्व इज नोन एज अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, तो ये ऑर्बिट को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। द सैटेलाइट इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, और इसका टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 24 आवर्स। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्या होती है, जो पोल्स के आसपास घूमती है, इक्वेटर नहीं, ये घूमती थी इक्वेटर के आसपास, ये घूमती है पोल्स के आसपास, और इसमें सब कुछ लगा होता है, सेंसर कैमरा एटसेट्रा एटसेट्रा लगा, तो जियो स्टेशन में भी होता है, खाली डिब्बे को घुमा के क्या करेंगे, सेंसर और कैमरा तो लगा के भेजने पड़ेंगे, तभी तो वो सर्विलेंस करेगा, दोनों में लगे होते हैं ताकि आप फोटो खींच सको या देख सको कि अर्थ के ऊपर या किसी भी कंट्री के ऊपर क्या हो रहा है एक्जेक्टली। तो ज्यादा ऐसे वर्टिकल जियोस्टेशनरी हॉरिजॉन्टल और पोलर सैटेलाइट्स वर्टिकल, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। ओके, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, हमने केपलर लॉ किया हुआ है ना, कितने लॉज किए थे, 3, 1, 2 और 3। केपलर का फर्स्ट लॉ याद है, इलिप्स के बारे में बात करते हैं, इसका प्रूफ तो यार मैं करवा नहीं पाऊंगा क्योंकि इसका प्रूफ तो मैथ्स वालों के पास है, इलिप्स की वो सन सेंटर पे है फोकस और वो, तो इसका प्रूफ आपको फिजिक्स की किताब देगी नहीं। रही बात सेकेंड लॉ एरियल वेलोसिटी, इसका प्रूफ हमने किया हुआ इन रोटेशनल मोशन, तो ये भी छोड़ दें, तो बचा कौन सा, थर्ड। तो आप कौन सा प्रूफ करने जा रहे हैं, थर्ड। तो कैपलर का कौन सा लॉ आ रहा है प्रूफ में, थर्ड, क्योंकि सेकेंड लॉ किया हुआ है तो करके क्या करेंगे, तो थर्ड लॉ करें प्रूफ, कोई डाउट इसमें? ठीक, थर्ड लॉ प्रूफ करने के लिए क्या है, थर्ड लॉ टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, बड़ा आसान है। क्या करना है, कोई भी सैटेलाइट अगर सपोज करो अर्थ के आसपास घूम रही है तो उसको कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रिपेटल मास ऑफ प्लैनेट एम वी स्क्वायर बाय आर, सैटेलाइट घूम रही है और इस केस में ये आपका सन है और सन का मास कितना है, या अर्थ घूम रही है की बात है, जो मर्जी, बस किसी को घुमाना है किसी के साथ आसपास, चाहे इलेक्ट्रॉन को घुमा लो न्यूक्लियस के आसपास, एक ही बात है। ठीक, तो इस अर्थ या इस अर्थ के ऊपर अर्थ को घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपेटल एम वी स्क्वायर बाय आर, और कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपेटल, जीएमएम बाय आर स्क्वायर, ऐसे होता है हमेशा करते आए हैं। मास ऑफ प्लैनेट कैंसिल, वेलोसिटी आ गई, याद है इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, द वेलोसिटी इज नोन एज अ ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू वी इज अंडर रूट ऑफ जीएम बाय आर, और टाइम पीरियड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितने, डिस्टेंस इज 2 पाई आर, वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ जीएम बाय आर, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो कोई भी चीज घूम रही है वो डिस्टेंस और 2 पाई आर ही कवर करेगी, वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ जीएम बाय आर, इसको स्क्वायर, इसको ना ठीक कर लो, 2 पाई आर आर अपॉन जीएम, यहां से 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर इसके अंदर चला जाएगा, तो आर क्यूब हो जाएगा जीएम, स्क्वेयरिंग कर दो, ऐसे स्क्वेयरिंग करोगे तो ये वैल्यू आएगी, और ये कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, याद है, क्लियर है, एक बड़ा सिंपल प्रूफ है टाइम पीरियड निकाल के करने का।
एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ. न्यूटन का कौन सा लॉ? सेकंड की थर्ड? सेकंड नहीं, थर्ड लग रहा है मुझे. कितने लोग बोलते हैं सेकंड? कितने लोग बोलते हैं थर्ड? कितने लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन लॉ? न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ, लॉज ऑफ मोशन नहीं है, 1, 2, 3 लॉ, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ. हाँ, कुछ थर्ड लॉ में कई लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट, बट एक्चुअल में ग्रेविटेशनल लॉ. तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ मुझे निकालना है कहां से? केपलर लॉ से, केपलर के थर्ड लॉ से. केपलर का थर्ड लॉ अभी डराइव किया कहां से? न्यूटन के ग्रेविटेशनल के लॉ से. अब क्या करना है? उल्टा करना है. ऐसे हो गया ना. अब न्यूटन का लॉ निकालना है केपलर लॉ से. न्यूटन का लॉ क्या देता है? फोर्स. किन में? दो ऑब्जेक्ट्स में. फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? जैसे अगर कोई, मान लो कोई, अगर सपोज प्लैनेट घूम रहे सन के आसपास इन रेडियस ऑफ आर, तो सन इसको कितनी फोर्स से खींचेगा? सन इसको खींचेगा विद अ फोर्स ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर. लेट्स से इसकी वेलोसिटी कितनी है? वी है. याद है, क्लियर है? एम वी स्क्वायर बाय आर. अब इसमें वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट क्या होती है? 2πr अपॉन टाइम पीरियड टी. इस वेलोसिटी को फोर्स में पुट कर दो एम वी स्क्वायर बाय आर. ठीक, वी की जगह पुट कर दें, कितना? 2πr अपॉन टी पुट कर दिया, फोर्स आ रही है. क्योंकि ये आइडिया मेरे को है कि प्लैनेट अगर घूम रहे तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए. कौन प्रोवाइड? और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स लाइक सेंट्रीपेटल फोर्स. तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को ड्राइव करना है तो क्यों ना सेंट्रीपेटल फोर्स से ड्राइव किया जाए. तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं सेंट्रीपेटल फोर्स निकाल रहा हूँ. सेंट्रीपेटल फोर्स ही आ गई, यहां तक संभाल के रख लो, फोर्स आ गई. कोई डाउट इसमें? अब मुझे पता है केपलर के लॉ के अकॉर्डिंगली टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब में टी स्क्वायर इज सम कॉन्स्टेंट इन टू आर क्यूब. पिछली इक्वेशन में डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर आ रहा था, तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया? के आर क्यूब. ठीक है, फोर्स की वैल्यू में टी स्क्वायर इलिमिनेट करके के आर क्यूब, तो मेरे पास ये बच गया. ठीक, अब मुझे एक चीज पता है, अगर मान लो सन की जगह मून घुमा रहा है प्लैनेट को, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगी? कम. अगर मून की जगह सन एक प्लैनेट को घुमा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगी? क्यों? क्योंकि मास ऑफ सन इज ग्रेटर देन मास ऑफ मून. जितना बड़ा प्लैनेट उतनी बड़ी फोर्स. और एक चीज चेक करो, इस फॉर्मूले में, फोर्स के फॉर्मूले में मास ऑफ प्लैनेट तो आ गया ना, जो घूम रहे, रेडियस भी आ गया, लेकिन मास ऑफ सन नहीं आया. जबकि फोर्स शुड डिपेंड अपॉन मास ऑफ सन, फोर्स में मास ऑफ सन आना चाहिए. तो यहां से मैंने क्या किया, स्मॉल एम मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सन पर डिपेंड तो कर नहीं सकता. अब क्योंकि मेरा मास कम है, सन का मास भी कम है, मैं घूम रहा हूं, मेरा मास ज्यादा है, सन का मास भी ज्यादा है, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा मास है, इसी के मास से इसका क्या लेना देना है? तो एम इज अ कॉन्स्टेंट. अगर प्लैनेट और मेरे बीच में डिस्टेंस आर है, तो हार्डली मैटर्स कि प्लैनेट या सन का मास बड़ा है या छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आर कॉन्स्टेंट है जितने रेडियस में वो घूम रहे. मैं के बारे में कह नहीं सकता, ये जो आगे कांस्टेंट है मुझे नहीं मालूम क्या है. हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि के जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है. यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल है, दुनिया के हर बॉडी के लिए लगेगा. जैसे जो आपका गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर सरफेस के लिए डिफरेंट है, लेकिन पर्टिकुलर सरफेस के लिए कांस्टेंट है. या तो क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो ये जो टर्म है 4πσ/k, इट मींस दिस डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ सन इज सम कांस्टेंट. प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू कांस्टेंट आ गया. 4πσ/k की जगह क्या पुट कर दिया? gm. तो अगर यहाँ gm पुट किया तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया gm m by r square. ये एक ना ये कुछ ऐसा रिजल्ट है जो हम तो याद कर रहे हैं. देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे कैसे पता लगेगा 4πσ/k gm के प्रोपोर्शनल है? पर जो जिसने ये डराइव किए, जिसने ये काम किए, ये वो बता रहे हैं. मतलब
ہم صرف ریزلٹ کو سیکھ لے. اب اس نے پتہ نہیں کتنا دماغ لگایا ہوگا کہ یہ چیز کس پہ ڈپینڈ کرے گی, تو یہ وہاں سے یہ چیز آ رہی ہے. تو مطلب یہ مت سوچنا کہ میرے کو کیسے پتا لگا, اگر میں ایک ایکسپیریمنٹ کروں میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ ماس آف سن پہ ڈپینڈ کرے گی, پر کہیں نہ کہیں میرے کو یہ بات کرنے کے لیے میتھمیٹیکل پروف تو دینا پڑے گا نا کہ کیوں. تو وہ چیز ہم نہیں کر رہے, ہم بائی پاس کر رہے ہیں, ہم سیدھا اس کو ماس کے پروپورشن مان کے لا کو پروف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک بس یہ لاسٹ ٹاپک تھا کیا؟ ٹھیک ہے, نیویریکل کرنے ہیں اس کے. اور مجھے بتاؤ گے کون سے نمبر نیویریکل پہ لاسٹ تھے ہم؟ چلو میں ہی کرواتا ہوں, رکو میں ہی کرواتا ہوں. آپ کوشچن نمبر کرو 26, کوشچن نمبر 26. ریولیوشن پیریڈ آف ارتھ ٹو نیبرنگ پلانٹ وینس اینڈ مارس, وینس کے لیے اور مارس کے لیے ٹائم پیریڈ گیون ہے. آپ کو ڈسٹینس بتانا ہے وینس اور سن کا اور مارس اور سن کا, کیا لگے گا؟ کیپلرز تھرڈ لا. تو گیون کیا ہے, ادھر دیکھو تین چیزیں گیون ہے, ایک ارتھ وینس مارس, ٹائم پیریڈ ارتھ کا گیون ہے, ڈسٹینس سن سے گیون ہے. وینس کا ٹائم پیریڈ گیون ہے, ڈسٹینس نکالنا ہے. مارس کا ٹائم پیریڈ گیون ہے, ڈسٹینس نکالنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں تک تو میں ایسا بول سکتا ہوں T1 square proportional to R1 cube, T2 square proportional to R2 cube اور T3 square proportional to R3 cube. صحیح ہے, تو اس کا مطلب T square by R cube is a constant, تو وہ ہمیشہ ہی کانسٹنٹ ہے. تو تینوں کے لیے ایکویٹ کر دیا, T1 R1 T2 R2 T3 R3. اور کوشچن میں آپ کو گیون ہے کہ ٹائم پیریڈ T1 پتہ ہے, T2 پتہ ہے, T3 پتہ ہے, R1 پتہ ہے, یہ نکالنا ہے. ان دونوں کو ایکویٹ کر لو R2 آ جائے گا, ان دونوں کو ایکویٹ کر لو R3 آ جائے گا. R2 بھی آ گیا, R3 بھی آ گیا. سمجھ آ رہا ہے یہاں تک؟ کلیئر ہے نا؟ کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ ٹھیک.
लास्ट क्लास का टाइम पता क्या है? 8:15 सुबह, मुझे चेंज करना पड़ा, मुझे 9:30 रखना था आपकी वजह से, पर ना मैथ्स का कहीं और भी टेस्ट था, तो 8:15 मींस 7:45 से स्टार्ट होगा, मैं 9 बजे के बाद सवा 9 तो आपके पास आधा पौना घंटा होगा बीच में, आप जा सकते हो आपके मैथ के टेस्ट के लिए। ठीक है, मुझे 8:30 चले जाना फिर। पता क्या प्रॉब्लम है, मैंने बहुत ट्राई कर लिया परमोटेशन कॉम्बिनेशन, सुबह 7 बजे से लेके शाम तक कोई ऐसा एक घंटा नहीं है जिसमें आप लोग ट्यूशन आ जाते हो। मैं उनको टाइम दे चुका हूँ 7:45 बजे, तो आप दे हो गया हो गया, आप 7:45 अब सबको फोन कैसे करूँ 60 बच्चों को, जो हो गया हो गया, 7:45 बजे 7:45 बजे आ जाना मॉर्निंग में। मुझे करवाना क्या है, असाइनमेंट लेके आना, सेंटर ऑफ मास की जो दी थी ना असाइनमेंट नंबर 1 और 2 सोल्यूशन के साथ, वो लेके आना, प्लस इसके अलावा जो भी करवाने मैं साथ के साथ दूंगा कल ही। हाँ हाँ, टेस्ट तो पक्का ही है, टेस्ट तो ऐसा है ना, आप यहाँ क्लास लगाओ, ब्रेक लो, फिर मैथ्स का टेस्ट दो, फिर मैथ्स के टेस्ट के बाद 11 बजे से टेस्ट यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, तो 11 बजे से टेस्ट स्टार्ट होगा, रोटेशन मोशन सब्जेक्टिव है, सेंटर ऑफ मास आएगा, सेंटर ऑफ मास भी आएगा, सेंटर ऑफ मास भी आएगा, रोटेशन मोशन भी आएगा सब्जेक्टिव। हाँ, थ्योरी भी है, थ्योरी में तो पास हो ना आपने कल नहीं न्यूमेरिकल में भी हो गया यार, बहुत हार्ड न्यूमेरिकल नहीं, बहुत सिंपल, जो मैंने टाइप्स करवाई थी यार, वो टाइप्स के बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं, बस वैसा वैसा, जैसे मेरे असाइनमेंट के 30-35 क्वेश्चन जो पहले वाले हैं, वो बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल, मेरे को कोई कॉम्पिटिशन में लेंगे ना दिवाली के बाद आराम से लेंगे, आप तैयारी कर लो हफ्ता, अभी सिर्फ एनसीईआरटी बहुत बेसिक, बढ़िया नंबर आएंगे, आप चिंता ना करो, पढ़ के आओ रात को। आंसर्स हैं इसके, पता लग सकते हैं बहुत बड़े आंसर्स हैं इसके। आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्यों कब आपका सैटरडे, आपको तो प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है, आपकी तो एक ही छुट्टी है ट्यूसडे की, थर्सडे को आपको आना है, आपको तो सिस्टम ही बड़ा सही है, मंडे वालों की प्रॉब्लम थी, अदरवाइज आपका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मंडे वालों को तो आज मैं बैच लगा चुका सुबह, उनका तो हो गया आज दिन में, मतलब मंडे की जगह मैंने लगा चुका हूँ, आपका बैच थर्सडे को होगा। ठीक है, पढ़ के आना, दिवाली के बाद एक दो दिन और पढ़ लेना, ट्राई करो। इफ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 4%, मास रिमेनिंग द सेम, देन हाउ वुड द वैल्यू ऑफ जी चेंज? तो इसमें इफ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 4%, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्मॉल जी है वो क्या होती है, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। रेडियस श्रिंक बाय 4% का मतलब, पहले रेडियस r1 था, फिर रेडियस r2 था, ओरिजिनल r1 है, इनटू 100, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 4%। ठीक है ना, या फिर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 4% गिवन है। ठीक है ना, यहां तक ये समझ आ रहा है क्या गिवन है, और क्या निकाल लें, जी कैसे चेंज हो रहे हैं, जी का मतलब चेंज इन जी इज डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, ये आपको निकाल लें, सही है ना यहां तक, तो क्या गिवन है क्या निकाल लें, समझ आ गया। इसको करने के लिए हमने एक लॉग वाला मेथड सीखा था, याद है, लॉग, वैसे मैथ से भी हो जाएगा, लॉग वाला मेथड ज्यादा बेटर है, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, लॉग जी इज इक्वल टू लॉग ऑफ कैपिटल जी प्लस लॉग ऑफ कैपिटल एम माइनस टू लॉग ऑफ आर। जब भी परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन आएगा तो लॉग से करोगे तो ज्यादा बेटर और जल्दी रिजल्ट आएगा। ले लिया लॉग, डिफ्रेंशिएटिंग, डिफ्रेंशिएट करो 1/g dg, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0, कॉन्स्टेंट की 0, माइनस टू 1/r इंटू dr, सही यहां तक, कोई डाउट इसमें, सबको समझ आ रहा है? ठीक, दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई, इंटू 100 और यहां पे इंटू 100 करेंगे, इंटू 100
वैल्यू आपको गिवन है, कितनी कितनी -4%। -4 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि रेडियस क्या हो रहा है, श्रिंक, श्रिंक का मतलब कम हो रहा है, डेल्टा आर नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा +8%। +8% का मतलब है कि आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और वैसे भी कॉमन सेंस है कि अगर आर कम हो रहा है तो जी की वैल्यू को क्या होना चाहिए, इंक्रीज। क्लियर है यहां तक, एनी डाउट? लॉग वाला मेथड सबसे बेस्ट सही मेथड है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू सही निकालते हैं, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है ये करना, 31st supposed to be uniform sphere contracts slightly so that its radius become less by 1 by n than before, show that length of the day shortens by 48 by n hours. kya lagaun is pe, earth ghoomti ghoomti choti ho gayi, matlab kya formula lagaun, pehli bol rahe wohi bol rahe hai i1 omega 1 is i2 omega 2 nahi aa raha, टेस्ट में तैयारी क्या की, कुछ भी नहीं की, तो आना है क्वेश्चन। लॉ मैंने टाइप्स करवाई थी ना, जब अर्थ घूमती घूमती छोटी हो जाती थी तो टाइम पीरियड क्या होता है, उसका करने का तरीका था क्या कि आई वन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू टाइम्स ओमेगा टू, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या रहती है सेम। एनी डाउट, याद आ रहा है ऐसा किया था हमने, तो ये मत सोचना ग्रेविटेशन में आ गया तो बस अब हम नहीं कर सकते कि कैपिलरी लॉ लगेगा। कैपिलरी लॉ तब लगता है जब अर्थ किसी के आसपास घूमती है, एक्सिस पे घूमते हुए बॉडीज के ऊपर कैपिलरी लॉ नहीं लगता, दो बॉडीज चाहिए कैपिलरी लॉ को लगाने के लिए, ठीक है, याद आ गया। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि रेडियस लेस बाय 1 बाय एन देन बिफोर, मतलब अगर पहले रेडियस आर था, नया रेडियस आर माइनस आर बाय एन, यानी कि नया रेडियस आ गया, ठीक है। मैं रेडियस नया क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर, याद है, क्लियर है। तो मेरे को निकालना पड़ेगा क्या है कि पहले टाइम पीरियड अगर t था तो अब टाइम पीरियड कितना होगा, और मैं लगाऊंगा इसमें आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू वाला कॉन्सेप्ट, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था 2/5 mr स्क्वायर, टाइम पीरियड क्या था, मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा 2π/24, अगर मैं चाहूं तो पुट कर सकता हूं 2π/24, क्योंकि अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो कितना है 2π/24, ठीक। और नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर डैश स्क्वायर इनटू ओमेगा डैश, नए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आर डैश की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। एनी डाउट, आर डैश की वैल्यू पुट कर दो जो मैंने निकाल ली, तो लो मैं यहां पर आर डैश की वैल्यू पुट कर रहा हूं, उससे पहले कुछ नहीं किया, ये स्टेप कुछ नहीं है याद रखना, इसमें 2/5m कॉमन, ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जो बच गया, ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई, ये रही ओमेगा डैश आ गया, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओमेगा डैश आ गया। और आर डैश की वैल्यू तो मुझे मालूम है कितनी, आर वन माइनस वन बाय एन भी निकाला अभी हमने, आर डैश की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये रही आर डैश स्क्वायर हो गया, एनी डाउट, ये चीज क्लियर है, ठीक। अब एक काम करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले जाओ रेज टू पावर -2, और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बाइनोमियल -2, बाइनोमियल के केस में इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे क्या आ गया, ये आ गया,
पास ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई ओमेगा इनटू 1 प्लस 2 वाई। कोई डाउट है? ठीक लिख रहा हूं ना यहां तक? वैसे क्वेश्चन में है कुछ नहीं, एक प्रॉब्लम है कि मेरे को आंसर उसी फॉर्म में निकालना है जिस फॉर्म में वो कहा गया है 48 बाई एन, तो मैं बाइनोमियल लगा रहा हूं, नहीं तो मेरा आंसर तो आ ही गया था 2 पाई बाई टी से। ठीक है ना यहां तक? तो मेरे पास नया ओमेगा डैश आ गया इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, तो ठीक है मेरे को टी डैश निकालना है ना, टी डैश इज 2 पाई बाई ओमेगा डैश। ठीक, तो टी डैश इज 2 पाई बाई ओमेगा डैश, ओमेगा डैश की वैल्यू पुट कर दिया एज इट इज, यहां तक क्लियर है? ओमेगा डैश की वैल्यू पुट कर दी, डिनोमिनेटर को फिर से एक बार डिनोमिनेटर में लेके जाए, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, प्रूव वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही करना पड़ेगा। स्टेप्स क्लियर है? ठीक है ना? तो इस टर्म को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये आएगा रेज़ टू पावर माइनस वन, एक बार फिर से बाइनोमियल, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। ठीक है ना यहां तक? और टी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा, जो कैपिटल टी है उसकी जगह मैंने क्या पुट कर लिया, 2 पाई बाय ओमेगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो टी डैश और टी का रिलेशन आ गया। आपको पता क्या बताना है, टाइम पीरियड कितना चेंज हो गया अर्थ का, तो पहले टाइम पीरियड क्या था, टी, अब टाइम पीरियड कितना, टी डैश, दोनों को माइनस कर लो, क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो यहां से ओपन करो इसे, ये वैल्यू आ गई, टी को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, ये आ गया, ये और टी का मतलब 24 आवर्स, आंसर आ गया। मेथड क्लियर है? कुछ भी नहीं किया यार इसमें, आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू किया और कुछ भी नहीं किया, बाकी कैलकुलेशन है। ठीक बोल रहा हूँ ना, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले गया बाइनोमियल, फिर डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले गया फिर बाइनोमियल। ठीक, आइडिया क्लियर है इस क्वेश्चन का? क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में फिजिक्स के स्टूडेंट को तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है कि बस इसमें ये लगेगा, बाकी फिजिक्स का काम नहीं है, बाकी इसमें मैथ्स का काम है ना, इसमें फिजिक्स कहाँ लग रही है कि ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ। ठीक है ना यहाँ तक? नेक्स्ट, वैसे चांस कम है ऐसे क्वेश्चन आने के, कम आते हैं। दो सैटेलाइट्स हैं S1 एंड S2 रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इन अ कोप्लेनर सर्कुलर ऑर्बिट इन सेम सेंस। तो दो सैटेलाइट्स हैं S1 S2 और वो ऑर्बिट के आसपास घूम रही हैं, कोप्लेनर, कोप्लेनर समझते हो, जैसे ये सन है, ये S1 है और ये S2 है, सेंटर कॉमन है। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशंस आर, तो इसका टाइम पीरियड गिवन है 1 आवर एंड इसका टाइम पीरियड गिवन है 8 आवर। आपको S1 का रेडियस गिवन है R1, आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ S2 R2। मेरे को लगता है इसमें तो वैसे ही बड़ा आसान है, कैपिटल लॉ लगे इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू कैपिटल लॉ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको T1 पता है, T2 पता है, R1 पता है, R2 निकालना है, तो कैपिटल लगाया R2 की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, कैपिटल लॉ से आंसर आ गया एक। अब आपको एक प्लेनेट का R1 पता है, सेकंड प्लेनेट का R2 भी पता है,
given ho, radius given ho, to Kepler's law. To a ka distance aa gaya. Ab aapko iska ek aur part solve karna hai. Dekho zara kya part hai. Question hai ki when S2 is close to S1, what is speed of S2? Ye kya likha hua hai? Relative to S2. Relative speed nikalni hai mujhe. Relative speed samajhte ho? V2 minus V1. Theek hai na? Relative speed ka matlab kya hai? Ki relative speed ka matlab dono ka velocity ka difference. Theek? Asaan hai. V2 ko likh sakte ho distance upon time. V1 को लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड, क्योंकि एक सर्कल अगर कोई बड़ी सर्कल में मूव करती है तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 2 पाई. ठीक है, आपको क्वेश्चन में T2 पता है, T1 पता है, R1 पता है, R2 पता है, आंसर. आसपास है नहीं पता करो, क्योंकि R1 R2 क्वेश्चन में न्यूमेरिकली निकालने को कहा है, हमने देखा R1 R2 अलग अलग वैल्यूज दे रहा है. क्लोज मीन्स मे भी ऐसे कहता होगा कि कम से कम क्वेश्चन सॉल्व कर सको, क्लोज है तो हाँ दिख जाए, पता लगे कि हम अभी पता नहीं कौन से यूनिवर्स में जाके एक स्टार घूम रहा है, उसकी रिलेटिव स्पीड अर्थ से निकालो, आपको कोई दिखा तो दो सर कौन सी उसमें यूनिवर्स में घूम रहे, तो इसलिए उसने बेचारे ने क्लोज लिख दिया, कहीं घबरा मत जाना कि कौन से प्लैनेट्स हैं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा. क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद अ स्पीड इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ. तो इसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, मतलब सैटेलाइट की जो घूमने की स्पीड है वी, दिस इज हाफ द एस्केप. फाइंड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस. आपको क्या बताना है कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के आसपास घूम रही है, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2gm/r, एज्यूमिंग इट इज वेरी मच क्लोजर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो कैपिटल आर ही लेंगे. ठीक है यहां तक, और मुझे क्या निकालना है? इसकी हाइट निकालनी है. हाइट कैसे निकलेगी? हाइट वेलोसिटी आपको मालूम है, इसको 2 को इसके अंदर ले जाओ 4 हो गया, ये आ गया. ठीक, इतनी वेलोसिटी से सैटेलाइट घूम रही है, इस वेलोसिटी का नाम क्या रख सकते हैं? जिस भी वेलोसिटी से सैटेलाइट घूमे उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी. कोई डाउट इसमें? क्लियर है?
लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे को मालूम है, क्या याद है मैं निकाला था r प्लस एक्स की फॉर्म में, ठीक है ना, r प्लस एक्स की फॉर्म में। इन दोनों को क्या कर लेना आपने, इक्वेट, एक ये मैंने निकाला, एक मुझे मालूम है x आ जाएगा, ठीक है यहां तक, एनी डाउट, बोलो। क्वेश्चन में ये गिवन है कि सैटेलाइट की वेलोसिटी हाफ द एस्केप, यानी सॉल्व करोगे ये आ गया, ये एस्केप, ये कौन सी वेलोसिटी है, ऑर्बिटल है, लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ऑलरेडी मुझे आता है, जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस, यहां से एक्स आ गया आर, सॉल्व करने के बाद। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, समझ आ रहा है काश, ठीक, तो एक वैल्यू आ गई, और भी कुछ निकालना है शायद। अगर मैं सैटेलाइट को ड्रॉप कर दूं तो कितनी वेलोसिटी से वो अर्थ को हिट करे, क्वेश्चन है, अच्छी भली सैटेलाइट यहां घूम रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई टू आर, यही था ना अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो अभी निकाली थी, हाफ द एस्केप वेलोसिटी, यही थी, घूमना बंद कर दिया या सीधा ड्रॉप कर गई, सीधा ड्रॉप करने का मतलब कि उसकी ये वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, घूमना ही बंद कर दिया, ड्रॉप ही कर गई, तो ये वेलोसिटी तो जीरो हो गई। तो लेट से वो कितनी हाइट पर घूम रही थी आर, अभी हमने निकाला, तो इस पॉइंट पर कितनी एनर्जी है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस कहां से लेने हैं, फ्रॉम सेंटर, और सैटेलाइट का आर डिस्टेंस कहां से आ रहा है, फ्रॉम सरफेस, ए पार्ट से निकाला अभी हमने, एक्स जो होता है वो सरफेस से होता है, समझ आ रहा है ना यहां तक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई सैटेलाइट की, काइनेटिक तो होगी नहीं जब वो ड्रॉप कर रही है, जब वो ग्राउंड पे गिरी तो ग्राउंड पे एक एनर्जी माइनस जी एम एम बाय प्लस, लेट से वो वी डैश वेलोसिटी से हिट कर दिया ग्राउंड को, हाफ एम वी डैश स्क्वायर, इसको इसके इक्वेट कर लो, इसको इसके साथ इक्वेट कर लो, वी डैश की वैल्यू आ जाए, मेथड क्लियर है, एनर्जी कंजर्वेशन है, टॉप मोस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है दैट ओनली पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक तो होगी नहीं, और नीचे गिरते ही काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल, ठीक, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो एनर्जी कंजर्वेशन होगा। ए पार्ट में सैटेलाइट की हाइट हमने निकाली थी x इज इक्वल टू r सरफेस से, मैंने वो यूज किया, कोई डाउट इसमें, समझ आ रहा है सबको, सचिन फाइनल आंसर ये आएगा, ये फाइनल आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर, अगर आप इसे सॉल्व करोगे, ये मत देखना प्लीज, ये अपना तरीका लगा रहे हैं, आइडिया क्लियर है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। वैसे मैं इसकी लिस्ट दे दूंगा आपको नेक्स्ट टाइम, पक्का बन गई है वैसे, तो वो आप आंसर मैच करते रहना, बट ग्रेविटेशन में आंसर कभी मैच नहीं होंगे यार, ग्रेविटेशन का तो कॉन्सेप्ट ही बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, ठीक।
देने के बाद सबको हैप्पी दिवाली, ठीक है। जिनके पेरेंट्स भी हैं वो 30-5 मिनट बैठ सकते हैं। आई एम सॉरी, मेरे को बहुत ज़्यादा